नोटबंदी पर गोवा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, 8 नवंबर को अचानक बड़ा फैसला लिया, हमने सीक्रेट ऑपरेशन किया था, बेनामी संपत्ति पर हल्ला बोलेंगे, भारत से चोरी हुए पैसे की जानकारी के लिए नोटबंदी की, प्रधानमंत्री का कहना है काले धन पर जनता ने काम करने को कहा था, काले धन पर कई देशों से समझौता किया। प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि विदेशों में पैसा जाने पर सरकार को पता अब चल जाएगा, 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने पर अब पैन कार्ड लगेगा। कुछ सांसद बड़े ज्वेलरी की ज्वेलर की जेब में है, पिछली सरकार फैसला लेने से बच रही थी, मैंने देश को कभी अंधेरे में नहीं रखा, नोटबंदी के बाद अमीर लोग सो नहीं पा रहे हैं, मैं धीरे धीरे आर्थिक सेहत सुधार रहा हूं। तो काले पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरह की कोई छूट नहीं देने के मूड में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। विदेशों में पैसा जाने पर भी अब सरकार को पता चल जाएगा, 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं तो फिर उसके लिए आपको पैन कार्ड लगाना होगा। कुछ सांसद बड़े ज्वेलर की जेब में हैं, पिछली सरकार फैसला लेने से बच रही थी, मैंने ये फैसला लिया, मैं देश की आर्थिक सेहत को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। गोवा में अपने संबोधन में मोदी ने अपने दिल की बातें कही, थोड़ा सा इमोशनल टच भी उनकी बात नजर आया। नोटबंदी के बाद अमीर लोग सो नहीं रहे, कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, कह रहे हैं कि मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोना जमा खरीदे, हम इतना ही कहते हैं कि आपका जो इनकम टैक्स का पैन नंबर वो लिखवा दीजिए, पता तो चले कौन लेता है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। भाइयों बहनों, ये 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटा नहीं। अब किसी तरह की कोई कालाबाजारी नहीं होने देंगे, कोई काला धन नहीं चल पाएगा, उनकी कोशिश है लगातार इस पूरी सेहत को जो आर्थिक है उसे सुधारेंगे।